अधिकारियों ने अतर्रा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले अम्बेडकर पार्क की दुर्दशा को सही करने को लेकर के जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के जनपद बांदा से है खबर, जहां बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी बांदा को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष गुलाब वर्मा ने बताया कि अतर्रा नगर पालिका के अंतर्गत अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, जिसमें अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन नगर पालिका की उपेक्षा के चलते वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, नगर पालिका द्वारा पार्क के बगल में शौचालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। यह सरासर महापुरुषों का अपमान है। जब इस बारे में अतर्रा एसडीएम को फोन द्वारा अवगत कराया गया तो अतर्रा एसडीएम मौके पर नहीं पहुंचे। इस कारण बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जिलाधिकारी से शिकायत करने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी का अपमान हो रहा है, इसलिए नगर पालिका को चाहिए कि तुरंत बाउंड्री का निर्माण कराए और साथ ही वहां पर शौचालय के कार्य को तुरंत रोका जाए। भैया क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह वर्मा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद बांदा। क्या समस्या है? समस्या ये नगर पालिका अतर्रा के अंतर्गत बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क बना हुआ है, जिसमें नगर पालिका का तमाम कूड़ा जमा कर दिया गया, वहीं ढेर लगा दिया गया कूड़े का बना हुआ है, और वहीं पर शौचालय का निर्माण करा रही है नगर पालिका। जबकि हमारे लोगों ने माननीय एसडीएम साहब से मुलाकात करना चाहा, वहां पर मौके पर बुलाना चाहा, लेकिन एसडीएम साहब नहीं पहुंचे। तो हम लोग बांदा आ गए थे, यहाँ हमारे कार्यकर्ता तो डीएम साहब से मिलने आए, तो चूंकि वो नहीं मिली है, फोन भी मैंने 3 बार लगाया तो अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, और एसडीएम अतर्रा को भी हमने लगाया तो उनसे भी अभी बात नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब को उनको दिया है ज्ञापन और उन्होंने बात किया है, वो बता रहे हैं कि एसडीएम साहब से मेरी बात हो गई है और मौके में पहुंच रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क की बाउंड्री हो, वहाँ का कूड़ा हटाया जाए और उसका सुंदरीकरण करके और ये शौचालय वहाँ से हटाए जाए, बिल्कुल भी नहीं निर्माण होना चाहिए ऐसी किसी भी चीज का, और गेट पूरी बाउंड्री तोड़ दी गई है। प्रतिमा भी तोड़ हुआ? हाँ नहीं, प्रतिमा को नहीं कुछ किया गया है, लेकिन वहाँ पर पूरी बाउंड्री का गेट तोड़ दिया गया, बाउंड्री तोड़ दी गई और कूड़े का वहाँ ढेर लगा दिया गया और शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप उसमें? हम लोग ये चाहते हैं कि कूड़े का ढेर हट जाए, वहाँ शौचालय का निर्माण नहीं होना चाहिए और वो बाउंड्री पुनः उसी तरह से बना करके और ठीक ठाक गेट लगाया जाना चाहिए। गेट भी तोड़ दिया है। भैया क्या नाम है और क्या समस्या? बलदेव प्रसाद वर्मा हूँ, मंडल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बांदा। क्या समस्या है? समस्या यह है कि नगर पालिका अतर्रा में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टूचू लगी है, जिसकी बाउंड्री है, बाउंड्री के अंतर्गत कूड़े का ढेर लगाती है नगर पालिका और वहां पर जबरदस्ती स्नान घर और शौचालय बनाने की उनकी मंशा है, जिसमें स्नान घर का काम शुरू कर दिया है और वो बाउंड्री ध्वस्त है। वहीं पर नगर पालिका की गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश को संविधान दिया है, उस संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान न बढ़ा करके वहाँ पर कूड़ा कबाड़ और नगर पालिका ये कर रही है और जबरदस्ती निर्माण कार्य कर रही है। हमारा डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि उस निर्माण कार्य को तुरंत रोक करके और वहाँ पर सुंदरीकरण कराया जाए। अब अगर ऐसा नहीं होता आज हमारी मांग पर, तो अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती तो फिर हम आगे के लिए विचार करें। अपडेट मीडिया के लिए बांदा से सुनील यादव की रिपोर्ट।